तो आज फिर से सरोज शर्मा किचन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज आपको हम एक बिल्कुल अलग तरीके से घर की एक चीज से आप मिठाई कैसे बना सकते हैं वो बताते हैं दोस्तों। और अब भी दोस्तों लॉकडाउन आ रहा है तो आप घर की ही सिर्फ एक चीज से मिठाई बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बना करके घर में ही खा सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने सबसे पहले घी लिया है और घी को मैंने अच्छे से गर्म भी कर लिया है। तो घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है और ये मैंने लिया है गेहूं का आटा दोस्तों। तो ये तो दोस्तों सभी के घरों में मिल जाता है और इसी से हम एक वाइट मिठाई बनाएंगे और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मिठाई बनाएंगे, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भी होगी। आप मार्केट की मिठाई तो खाना भूल ही जाएंगे अगर आप इस ट्रिक से और ये मिठाई बना के एक बार खा लेंगे तो। और दोस्तों ये तो घर में सभी के घरों में मिल जाता है और अभी लॉकडाउन है तो मिठाई खाने का मन भी करता है। तो आप घर में ही बहुत इजी तरीके से ये मिठाई बना करके स्टोर करके भी रख सकते हैं और बिना मावा से बनाएंगे, बिना किसी मिल्क पाउडर, बिना सूजी के, बिना किसी चीज़ के, सिर्फ मैंने बोला है एक ही चीज़ से बनाएंगे हम। तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने सिर्फ इसमें घी डाला है। तो घी डालने के बाद में हम इसको अच्छे से सेक लेंगे आटे को। तो ये देख सकते हैं आटा हमारा हल्का हल्का नीचे से सिकना भी स्टार्ट हो चुका है और ये मैंने फिर से इसमें थोड़ा सा घी और लिया है क्योंकि ये मिठाई सिर्फ एक ही चीज़ से घी से ही बनेगी, इसमें मावे का यूज भी हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इस तरीके से हम बिल्कुल अच्छे से इसको सेक लेते हैं और ये बिल्कुल वाइट मिठाई रहेगी, इसका कलर भी बिल्कुल भी नहीं चेंज होगा अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो मिठाई को। और इतनी सॉफ्ट होगी कि आपके मुंह में जाते ही ये घुल जाएगी। तो देख सकते हैं दोस्तों आटा हमारा सिकना स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आटा हमारा सिकना स्टार्ट हो चुका है और आटे को हमें बिल्कुल कम गैस पे सेकना है, गैस का फ्लेम बिल्कुल भी कम ज़्यादा नहीं रखना है। तो इसको सेकने में हमें 3 से 4 मिनट का वक्त लग जाएगा। तो देख सकते हैं आटा हमारा सिकना स्टार्ट हो चुका है, मेल्ट होना स्टार्ट हो चुका है। और दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन बटन है वो भी आप प्रेस करना ना भूलें। और दोस्तों जो भी मेरी रेसिपी होती हैं बिल्कुल इजी तरीके की होती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वो घर के ही सामान से बनी हुई होती हैं तो उसको बनाने में आपको दिक्कत भी नहीं होती होगी और घर की ही चीज़ों से बहुत ईजी तरीके से वो बन भी जाती हैं। और आपका कोई भी घर का मेम्बर ये तैयार मिठाई जो भी मैं रेसिपी बनाती हूँ वो तैयार कर सकता है। और खाने में दोस्तों ज़्यादा टेस्टी होती हैं। तो ये देख सकते हैं आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से सिक चुका है, इसका हमें ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं तो आटा हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सिक के तैयार हो चुका है, इसका हमें ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है। और ये मैंने देख सकते हैं एक बाउल लिया है तो इसमें हमें इसको निकाल लेंगे आटे का बैटर को। तो इस टाइप का हमें आटे का बैटर चाहिए, इतना थोड़ा सा पतला हो जाना चाहिए और ये बिल्कुल अच्छे से सिक भी चुका है। तो इसको हम हल्का सा ठंडा कर लेते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक के रख देते हैं। तो ये हल्का ठंडा हो चुका है, देख सकते हैं ज़्यादा गर्म नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। और ये मैंने लिए शक्कर को पीस करके बिल्कुल बारीक वाली चीनी ली है, ये पाउडर बनाना है इस तरीके से आप मिक्सी में पीस करके भी बना सकते हैं ये बिल्कुल बारीक वाला पाउडर। और इसको आप छान के लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और बैटर आपको देख सकते हैं आटे का बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, गर्म होगा तो जो मैंने चीनी डाली है वो पानी छोड़ सकती है, तो इसीलिए आपको बिल्कुल ठंडे में ही डालना है। और इसको अब हमें बिल्कुल इजी तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देख सकते हैं हमारे बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुकी है जो मैंने मीठा डाला इसके अंदर। और मीठा आपके स्वाद के अकॉर्डिंग आप इसमें ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जितना आप खाना पसंद करते हैं।
और दोस्तों कई जगहों पे लॉकडाउन लग चुका है, तो आप बाहर बिल्कुल भी मत निकलिए। आप घर में ही, अगर आपका मीठा खाने का मन है तो आप घर में ही मिठाई बना करके, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आएगा इस तरीके से बनाएंगे तो, आप घर में ही मिठाई बना करके खा सकते हैं। और इसको आप 1 से 2 हफ्ते के लिए स्टोर भी करके रख सकते हैं। सकते हैं, मैंने सेट करने के लिए इस तरीके से इसको रख दिया है, तो इसको हम अच्छे से सेट कर लेते हैं। और दोस्तों ये बहुत ही इजी तरीके से सेट भी हो जाएगी मिठाई हमारी, और इस तरीके से मैंने सेट कर लिया है। अरे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मिठाई बनेगी, तो इस तरीके से मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से सेट कर लिया है। और इसको अब 1/2 घंटे के लिए हम रख देते हैं ताकि बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए मिठाई हमारी। तो 1/2 घंटा दोस्तों हो चुका है, तो देख सकते हैं हमारी मिठाई बिल्कुल अच्छे से जम के तैयार हो चुकी है। तो चक्कू की मदद से इस तरीके से हम सबसे पहले किनारी को निकाल लेंगे साइडों से। तो इस तरीके से हमें किनारी को इस तरीके से कट करना है, और बहुत ही ईजी तरीके से करना है दोस्तों, बिल्कुल आसानी से करना है और वो बहुत ही ईजी तरीके से कट हो जाएगी। और अब इसको हमें निकालना है इस तरीके से। तो ये हमारी मिठाई करके तैयार हो चुकी है, तो अब इसको आप जो भी शेप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। तो बहुत इजी तरीके से बिल्कुल हल्के हाथों से इसको काट लेंगे, तो देख सकते हैं कटने में कितनी सॉफ्ट लग रही है ये मिठाई, तो खाने में कितनी ज़्यादा टेस्टी होगी। और आपको बिल्कुल इसको बिल्कुल आसानी से ही काटना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी है इसलिए। तो अब इस तरीके से हम इसको बर्फी के पीस में कट कर लेते हैं, और देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट कट रही है मिठाई। और दोस्तों इस तरीके से आपका कोई भी घर का मेंबर ये मिठाई बना करके तैयार कर सकता है। तो ये हमारी मिठाई आटे की बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन करके तैयार हो चुकी है, तो आपका कोई भी घर का मेंबर ये मिठाई बना करके तैयार कर सकता है। देख सकते हैं दिखने में कितनी अच्छी दिख रही है, तो खाने में तो कितनी ज़्यादा टेस्टी होगी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होगी। तो ये मैंने सर्व करने के लिए प्लेट लिया है। तो दोस्तों आप घर की ही चीज़ों से ये मिठाई बना करके तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों मेरे जो भी रेसिपी, जो भी वीडियो होती हैं बिल्कुल इजी तरीके की होती हैं, वो उनको घर में कोई भी आपका घर का मेंबर बना करके तैयार कर सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा वो घर की ही चीज़ों से बनी हुई होती हैं, बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा कम यूज होती हैं। तो ये मिठाई आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, जब भी आपका मीठा खाने का मन करे तो आप ये झटपट से मिठाई बना करके तैयार कर सकते हैं। अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाए तब भी ये उनके लिए भी ये मिठाई बना करके देंगे, तो बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा खाने का। तो ये हमारी बहुत ईजी तरीके से गेहूँ के आटे की मिठाई दोस्तों बन करके तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों हमारी ये बहुत ही ईजी तरीके से मिठाई बनाने की रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ लाइक करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और पास में बेल आइकन बटन है उसको भी आप प्रेस करना ना भूलें। और दोस्तों हमारे वीडियो देखने के लिए भी और आपका कीमती समय देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों हमारे चैनल पे इसी तरीके से बने रहिए, फिर से लेके आते हैं आपके लिए कोई बढ़िया सी वीडियो। और दोस्तों देख सकते हैं बिल्कुल ईजी तरीका है ये मिठाई बनाने का, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी ये खाने में, मैं गारंटी करती हूँ। एक बार अगर आप बना करके इस मिठाई को खा लिए तो आपका मुंह से स्वाद नहीं भुला पाएंगे, इतनी टेस्टी मिठाई है ये। तो मैं दोस्तों एक बार गारंटी करती हूँ कि आप घर में एक बार इस मिठाई को ज़रूर बना के ट्राई करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।